ओके, तो आज तक हमने अनबॉक्स करा अपने चैनल पे बहुत सारे स्मार्टफोन्स, चाहे वो छोटा स्मार्टफोन हो या बड़ा स्मार्टफोन हो, बट हमने कभी बहुत बड़ी वाली जो अनबॉक्सिंग होती है वो कभी नहीं करी है। तो आज की वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं बहुत बड़ी अनबॉक्सिंग, मतलब मेरे चैनल के लिए तो बहुत बड़ी अनबॉक्सिंग होने ही वाली है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सेटअप वगैरह भी चेंज हो रहा है, तो उसकी बहुत ज्यादा नीड अब आ गई है। क्या यार, आजकल का जो ट्रेंड बन गया है वो ऐसा वीडियो बनाना, तो मतलब मुझे भी लगा कि यार वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द वे, पिछले एक साल से उसको लेके मैंने रखा हुआ है, बट एक उसकी मेन चीज वो मेरे पास थी नहीं। अगर मैं उसको अनबॉक्स कर भी लेता ना, मतलब एक पार्ट को मैं अनबॉक्स कर लेता, तो दूसरा पार्ट मेरे पास था ही नहीं। जो मेरे पास आई है एक कंपनी की वजह से, जो कि है जिन ऑफिस, एंड ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एंड किन चीजों में डील करती है, मतलब आप जब अनबॉक्सिंग देखोगे तो यार समझ ही जाओगे। बट फिर भी थैंक यू सो मच टू मिस्टर जैन, जिन्होंने मेरी हेल्प की यार, जिन्होंने मतलब ये चीज मेरे तक पहुंचाई। उनके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, बट उससे पहले यहां पे देख लेते हैं हमारी अनबॉक्सिंग। एक साल बाद अनबॉक्स हो रही है, तो मेरी एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। जितनी मेरी एक्साइटमेंट है, आपकी उतनी एक्साइटमेंट बनती है नहीं बनती है? आगे आपको वैसी वीडियोस मिलेंगी, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? अभी के लिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि इंट्रो ही भूल गया, बट अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली मैंने ब्लैक कलर में फ्रेम मंगाया है, बट मैंने यहाँ पे जो टॉप है वो व्हाइट कलर में मंगाया है। सो फटाफट से इसको बनाता हूं मैं, एंड आप देखो इसको टाइम लैप्स में। सो द मेन फ्रेम इज रेडी, अब इसके नीचे का और ऊपर का पार्ट रह गया, फटाफट से वो भी लगा लेते हैं। यहाँ पे रबड़ का कुछ दिया हुआ है ताकि ये नॉन स्लिपरी रहे, बहुत सही चीज दे रखी है। पास से दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो। बेसिकली कहना है कि जब ये लग जाएगा उसके बाद नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि इतना भारी मैं उल्टा करके थोड़ी दिखाऊंगा। तो स्टैंड हमारा बन के तैयार हो गया है, अब टेबल टॉप खोलेंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें इसके अंदर भी करनी है, वो फटाफट से कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इसका पहले टेस्ट ले लिया जाए, पता लगे इतनी मेहनत करी है साल बाद ये चल ही नहीं रहा है। कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करनी है, चेक करते हैं। अरे खुल जाए यार, कहाँ से खुलेगा ये? कर लो पहले। ओ भाई चल रही है, ये तो चल रही है, बढ़िया चल रही है। मुझे लगा था एक साल के अंदर इसके अंदर कुछ बचा नहीं होगा, बट यार ये तो बढ़िया काम कर रही है यार, ये तो मस्त काम कर रही है। एक साल तक इसको बंद करके रखा यार, एक साल में आपको डेट दिखाई होगी, एक साल यूज ही नहीं किया, चलाया ही नहीं। मतलब एक साल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह इसके अंदर ग्रीसिंग वगैरह होती है यार, खराब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट कुछ भी नहीं हुआ, कमाल हो गया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि फटाफट से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि बाकी इसकी फिटिंग रह गई है सिर्फ टेबल की। तो इसको फटाफट से अनबॉक्स करता हूँ और आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। ये भी बहुत हैवी है, और प्राइस के अकॉर्डिंग ना, सच बता रहा हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग ये मटेरियल मिलना इतनी बढ़िया क्वालिटी में बहुत मुश्किल है, एंड मेरे हिसाब से इसकी क्वालिटी को देखते हुए इससे बहुत उम्मीद बढ़ गई है। लेट्स ओपन इट, खोलते हैं। मेरा एड्रेस तो नहीं दिख गया ना तुम? आप देख सकते हो जैसे मैंने मंगाया जिन ऑफिस की तरफ से, पैकिंग देख रहे हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये टेबल बन के पूरा तैयार हो गया है। इसकी क्वालिटी देखो गाइस, आई नो वीडियो में इतना आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, बट यार बहुत सही है, बहुत सही। थिकनेस देखो गाइस, थिकनेस भी काफी सही है। फाइनली कंप्लीट हो गया, एंड बहुत भारी है, बहुत हैवी है, क्वालिटी वाइज प्रीमियम है, लुक वाइज भी प्रीमियम है, एंड फील वाइज भी बहुत प्रीमियम है यार। मेरे हिसाब से क्लीनिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, वाइट है तो ज्यादा केयर करना पड़ेगा। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया है कि मैंने यहाँ पे मंगाया है हाइट एडजस्टेबल डेस्क, एंड क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीडी हो गया था यार। वैसे तो मेरे पास व्हाइट कलर का आइकिया का भी टेबल है जिसके ऊपर मैं अभी तक सारा शूट करता हुआ आया हूँ, बट क्या है कि यार वो थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, एंड खड़े होकर वीडियोज बनाने का मुझे भी बहुत शौक चढ़ा,
है, तो मेरे को लगा कि एक डेस्क होगा हाइट के बराबर का होगा एंड उसमें और मजा आएगा। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने, पहले सब जगह देखा तब जाके मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे परचेज करना चाहिए। अगर कोई भी यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है तो यार आपको स्टार्टिंग में एकदम से जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यस अगर आप खड़े होकर वीडियोस बनाने के शौकीन हो तो जरूर से जरूरत पड़ेगी। मतलब बैठ के भी बना सकते हो, खड़े होकर भी बना सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे बना सकते हो। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं जिन ऑफिस कंपनी के बारे में जिनकी वजह से मुझे ये टेबल एंड फ्रेम मिल पाया है। एक्चुअली ये जो कंपनी है जिन ऑफिस, ये बहुत सारी चीजों में डील करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दे आर हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर वर्क फ्रॉम होम एंड ऑफिस सॉल्यूशंस लाइक हाइट एडजस्टेबल डेस्क, मॉनिटर स्टैंड्स, वर्क स्टेशंस, एडजस्टेबल लैपटॉप टेबल्स एंड अदर एक्सेसरीज। आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, अदरवाइज आप अमेज़न से भी परचेस कर सकते हो, बट अगर आप वेबसाइट के थ्रू परचेस करोगे तो वहां थोड़े से आपको ऑफर्स और अच्छे मिल जाएंगे। एंड यस गाइस, इनके हर प्रोडक्ट की 3 ईयर्स मैन्युफैक्चर वारंटी है, जो कि बहुत सही चीज है। क्योंकि यार जैसे मेरे को 1 साल हो गया, 1 साल बाद में बॉक्स खोला है और मुझे लगा वारंटी नहीं है, बट ऐसा नहीं है, 1 साल के बाद भी दे आर हैविंग अ वारंटी। एंड अनबॉक्स करते टाइम मैंने आपको बताया ही था कि यार इसकी क्वालिटी कितनी प्रीमियम है। एंड आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि मैंने इसको 1 साल बाद अनबॉक्स करा है, फिर भी यार इसकी मोटर कमाल की काम कर रही है, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब मैं हैरान था, मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि 1 साल बाद इसको अनबॉक्स कर रहा हूं तो शायद ये चले भी ना, तो मुझे ऐसा लगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड टेबल डेस्क की बात भी करोगे ना, मैट फिनिश में है एंड क्या क्वालिटी है, सुप्रीम क्वालिटी मुझे लग रही है। इफ यू गाइस आल्सो वांट टू चेक द क्वालिटी तो ऑब्वियसली आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, Amazon का भी एंड इनकी डायरेक्ट वेबसाइट का भी, इवन मैंने वहां पे फोन नंबर्स भी प्रोवाइड किए हैं। मुझे ये कितने का पड़ा, क्या प्राइस रहा, वो यहां पे आपको दिख जाएगा। बाकी अब आने वाली वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें मैंने चेंज की, आप बैकग्राउंड देख सकते हो एंड बहुत सारी चीजें अभी देखनी बाकी है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस दिस इज दीपांशु बहल, जय हिंद।